क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा इनटू एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या गिवन है आपके पास, एंगल ऑफ ट्रायंगल, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री और पाई, ठीक है। एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ गामा क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा, साथ में एफ ऑफ गामा, एफ ऑफ गामा की वैल्यू बात करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपने पास कितना आ जाएगा, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। देन अभी आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, दैट मींस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस में एंड माइनस में कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये आपके पास माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट मीन्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड ये आ गया आपके पास एफ ऑफ गामा, ठीक है। Now, अब अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस गामा, राइट, दैट मींस ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस गामा, कॉस ऑफ पाई माइनस गामा इक्वल टू होता है माइनस कॉस गामा, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस कॉस गामा, इट विल बी साइन पाई माइनस गामा, दैट मींस साइन गामा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन गामा हो जाएगा, अगेन ये आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस गामा, साथ में एफ ऑफ गामा, एफ ऑफ गामा क्या आ जाएगा, कॉस गामा साइन गामा, राइट, इनटू माइनस साइन गामा एंड कॉस गामा, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा इनटू एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, राइट, ये गामा है सॉरी, एंड माइनस साइन स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है 1, दैट मींस यहां आ जाएगा आपके पास माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस गामा साइन गामा प्लस साइन गामा कॉस गामा, दैट मींस 0, यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस साइन गामा कॉस गामा प्लस साइन गामा कॉस गामा 0 हो गया, अगेन इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर गामा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, दैट मींस माइनस 1, इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, राइट, तो ये आपके पास क्या बचेगा 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर 2, दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं I2, दैट मींस f ऑफ अल्फा इनटू f ऑफ बीटा इनटू f ऑफ गामा क्या आ गया माइनस ऑफ I2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।